हेलो एंड वेलकम है, एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल विकार्टिस्ट में। तो दोस्तों, आज मैं आपको पार्ट वन का सेकंड पार्ट बताने जा रहा हूं। तो इसमें आप देखेंगे कृष्ण भगवान को किस प्रकार से आप कलर कर पाएंगे बेहद आसानी से, और मैं किस तरह से अच्छे से कलर को फिल करना बताऊँगा ताकि इसमें कोई दाग धब्बे या फिर किसी प्रकार की त्रुटि ना लगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं पिक में कि मैं किस प्रकार से इसको ड्रॉ कर रहा हूँ, तो इसको करने के लिए आप डॉम्स की पेंसिल को यूज़ करें और उसको थोड़ी सी साफ स्मूथ तरीके से उसको साफ करें पेंसिल को, और उसके बाद रंगना स्टार्ट करें। और ये ब्लैक जो है, हम चूँकि ब्लैक की पेंसिल कुछ ज़्यादा ही ख़त्म होती है, तो इसके लिए स्पेशल रख लें अलग से। और इस तरह से आप धीरे धीरे इसको फिल कर सकते हैं और हल्के से, और जहाँ डार्क वाली जगह है वहाँ प्रेशर के साथ फिल कर सकते हैं। जो दोस्त ये वीडियो में आउटलाइन को ड्रॉ नहीं देखे हैं, वो मेरे पिछले वीडियो में जाकर के आप इसके ड्रॉ पार्ट वन को देख सकते हैं, और ये मैं पार्ट सेकंड में ये पूरी तरह से ये ड्रॉ करने के लिए आज बताऊँगा। तो फ्रेंड्स, इस तरह से देख रहे हैं कि आप होंठ को रंगने के लिए थोड़ी सी हल्की जगह छोड़ती है, और राइट कलर जो है आप थोड़ी सी साइन करती है हर जगह। तो इस तरह से आप हल्के हल्के फील करें। चूँकि मुझे इसे बनाने में थोड़ी सी टाइम लग गई है दोस्तों, क्योंकि आप जितने फ्लावर्स टाइप के स्केचेस बनाएंगे उसमें आपको टाइम लगेगा ही, और जितने इसमें टाइम देंगे ये चित्र और भी निखर के सामने आएगा। अगर ये पिक अच्छी लगती है तो इसे लाइक कर लें, और लाइक में सब्सक्राइब का भी बटन क्लिक करें, क्योंकि सब्सक्राइब का बटन क्लिक करते तो इस प्रकार के अनेकों स्केचेस आपको देखने को मिलेगा और सीखने को मिलेगा, और अपने दोस्तों में शेयर करें।